पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। घटना नागपुर के वाठोड़ा थाना क्षेत्र के श्रवण नगर इलाके की है। चंद्रकांत पौनीकर ये 30 वर्षीय मारे गए युवक का नाम है। रोशन पौनीकर को पुलिस ने उसके भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रकांत और रोशन दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी। वो अपने परिवार के साथ श्रवण नगर इलाके में रहते थे। कई सालों तक दोनों के बीच लगातार झगड़ा होता रहा, लेकिन मंगलवार को लड़ाई एक भाई की मौत के साथ खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार की रात चंद्रकांत ने नशे की हालत में रोशन की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पारिवारिक विवाद के चलते कुछ दिन पहले रोशन की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। लड़ाई में चंद्रकांत ने कहा, तुम अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सके, तुम हमारी देखभाल कैसे कर सकते हो। रोशन पहले से ही उदास था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। गुस्से में उसने अपने छोटे भाई चंद्रकांत को गाली देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दोनों के बीच हुआ जुबानी झगड़ा मारपीट में बदल गया। लड़ाई की आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंची। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों के बीच मारपीट का शोर शांत हो गया था। कुछ देर बाद रोशन की मां ने बाहर आकर पड़ोसियों को सूचना दी कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद्रकांत को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। भाई की हत्या के आरोप में पुलिस ने रोशन पौनीकर को गिरफ्तार कर लिया है।